बहुत अच्छी जीत कुंडा में, बाबागंज में और भी कई विधानसभाओं में होने वाली है। प्रतापगढ़ से अलग पार्टी की कैंडिडेट है, प्रतापगढ़ के जिले से बाहर भी? हाँ हाँ, कई प्रत्याशी। तो कितने प्रत्याशी आपकी लड़ रहे हैं और कितने की जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? 8 इस चरण में। इस चरण में सर, क्योंकि सभी लोग 400 पार की बात हो रही है, 350 पार की बात हो रही है, मतलब आप कितने की बात कर रहे हैं? हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे जो घरों में बैठे हैं? सभी सम्मानित मतदाता मतदाता निकल के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बड़ी संख्या में मतदान। इस बार 1.5 लाख के पार राजा भैया जी? नहीं नहीं, गलत सूचना है आप। चलिए ठीक है, आपने कहा कि हमने नहीं कहा है, जनता ने कहा मिलेगी, ये कहा है जनता ने कहा, बिल्कुल। कितना टफ मानते हैं चुनाव को आप अपने लिए? चूंकि चुनाव टफ, देखिए कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना और वो तोड़ेंगे। सर बस इतना बता दीजिए कि अब जो आप चाबी आपने कहा था इलेक्शन के आसपास बताएंगे, क्या अलायंस करेंगे अब इसके आसपास? क्या इलेक्शन के आसपास अलायंस आपका नहीं था, पूरी उसमें अलायंस करेंगे सर? बोल तो हो जाने दीजिए पहले, अब तो अभी शादी अभी शादी नहीं हुई, वो आप पूछ रहे हैं बेटा होगा या बेटी? पहले पोल हो जाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर, क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? बोल वो जो बोलना बोल रहे हैं। गुलशन आप ही के साथ रहे, कितनी चुनौती? कोई चुनौती नहीं। 15 साल बाद समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, तो इसको अब लगता है जिससे पहले समर्थन आपको मिलता रहा है, तो चुनौती तो है कहीं ना कहीं, मानते हैं? हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, न क्षेत्र की जनता मानती है। यादवों की संख्या यहाँ ज्यादा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए लोकतंत्र है, सभी पार्टियां मैदान में हैं, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आपको आपको इस बार को हराना कोई बड़ी चुनौती होगी? किसको? किसी अपने ही व्यक्ति को जो आपका अपना खास? देखिए निर्वाचन जनता करती है, चुनती जनता है, ठीक है। हर बार रिकॉर्ड तोड़ना ये कुंडा की परंपरा है, वो परंपरा का निर्वहन कुंडा की जनता फिर करने जा रही है। कैमरा पर्सन से जाए टोपी आ रही है, थोड़ा थोड़ा बना ले क्या? पहले से खड़े हैं भैया, रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब ऐसे मत करिए भाई, मेरे कैरेक्टर में लगा नहीं लगा आपके कैरेक्टर में लगा। उधर भैया अभी दिख नहीं रहे, उन्होंने नहीं बोला सर, उंगली दिखा दीजिए इधर, सर एक भी दिखा दीजिए।